अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व ताला के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरिया चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल है, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखे। देखते हैं कितने आशिक रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रजाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती है वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही है। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत आमना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते, वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो। देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो। अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती, जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुँचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ में जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया
रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए, तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ऐ मेरे बेटे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ऐ बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िये खतरनाक होते हैं, वो कहीं पर आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुँच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ऐ साकिने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िये जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िये आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं, अभी भी हमारी अम्मा रो रही है, आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद में आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया, 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए, तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे। कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ, मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। प्यारे दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहाँ पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।